थैंक यू। अच्छा ये मैं ना आपके जीत का ये बनाया है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे है। अच्छा अब ना मेरे आपका ना ये टेबल मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये वाला नहीं है आपका टेबल, ये वाला ठीक हो गया? नो सर ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका ना मैंने अब जो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन ली हुई है ना, ये मैं लगता है किसी और वेबसाइट से ली हुई है, सर एक फाइटोसोम से, कुकरबिटा से ली, और एक जो कल आपने बताया था कि V2 से लेनी है वो है। ये जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये LST आपने ना ये जो है ना आपका LST 1 और 5 ये सेम है आ रहा है इसके अंदर। कुकरबिटा के अंदर ये ऐसा क्यों है सर? वहां पे उसकी वैल्यूज भी सेम आ रही थी। अच्छा इसीलिए फिर ना ये देख तो अभी वहां पे ना दो नेम आए थे इसके, LSD5 के दो नेम आए थे, लेकिन वो ना दोनों ही सेम आ रहे थे किसी के। एक तो जैसे LSD1 के सेम आ गए इस तरह, एक और जो दूसरा था वो भी इनमें से किसी एक के सेम ही आ रहा था, फिर मैंने यही वाला लिख दिया। यहाँ पर 7 है और मेरे कितने को बनाए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये जो आपका 6 और ये 6 वाला है ना वो सेम है, ये और 1 ये सेम है। तो सर इससे कुछ होता है? सर इससे कुछ हो रहा है तो इसे हम खत्म कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इसको ज्यादा खत्म कर दे एल। यस सर। अच्छा इसका है फाइटोसोम, फाइटोसोम में डिफरेंट आईडीज आती हैं दोनों की, लेकिन कुकरबिटा में सेम आती है। अच्छा आप ये देखें इसकी जो 6 वाले की जो है ना, इवन इसके अंदर भी डिफरेंट है, कुकरबिटा जिनोम के अंदर भी है ना सर। 1 और 5 और इसी तरह सेम है ना। यस सर। वन और सिक्स तो फिर लहरा एक ही आना है ना इसका, फिर 1 और 6 तो सेम है, इट मीन इसका सिर्फ एक ही आया है और वो सही उसने कहा है, सही हो गया। अच्छा अब उसके मुताबिक जब मैं अब एक्सट्रैक्ट करता हूं ना चीजों को, तो वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही जीन है जो इसका है डुप्लीकेट है, वो है। अच्छा अब ये अब मैंने ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने ये एक वीडियो है ये वाली, ठीक है, अब ये मैंने सारी फॉलो की है, इसके मुताबिक मैंने ये बनाया है। इट्स एक मुझे पूरा दिन का ना वो टाइम मैंने यूज किया है आज का ना, ये मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, कभी आपको जरूरत पड़े तो ऐसे ही ये काम किया था मैंने, ठीक है। ये बहुत ठीक है, अब हमने सिर्फ अपना जीन है वो एक ही आ रहा है, बस ये कह रहा है कि ठीक है जो जीन पेयर आपने से सिर्फ एक आ रहा है और उसको अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। इट मीन बाकी सारे जीन जो है वो आपके, लेकिन जब हमने वो किया था क्या नाम है
कुकम्बर का दूसरों के साथ किया है, जो डुअल सेंचुरी यस सर, यस दूसरों सर, यस सर, के साथ आ रहे हैं ना। यस सर। ये सर भी जो उसमें अरेबिडोप्सिस वाला मैंने आपको कल रात को सेंड किया था, उसमें कोई लाइन क्यों नहीं बन रही है? वो मैं अभी करता हूँ, उसको मैं ठीक करता हूँ अभी फिलहाल। यस सर, इसके ऊपर फिलहाल फोकस करें। अब हमने इस सारे में से अपना जीन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, ये जो वीडियो है। अभी मैंने ये जीन लिस्ट तक बना ली है, अच्छा ये लिस्ट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट और जीन पेयर जो मैंने ऑलरेडी जनरेट किए हैं और आउटपुट फाइल इधर, ठीक हो गया। अब ये देखता हूं मैं आपके जीन पेयर किधर है, आपके जीन्स किधर है, पहले तो ये आपके जीन्स है, ठीक है। यस ये सारे जीन है, यस, ये हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके मुताबिक, कहाँ जाना पड़ेगा, टेक्स्ट ब्लॉक एक्सट्रैक्टर एंड फिल्टर, अदर्स में जाके टेक्स्ट ब्लॉक एक्सट्रैक्ट एंड फिल्टर, ठीक हो गया यहां पर। और यहां पर हमें अपनी कंडीशंस और देनी पड़ेगी जीन्स की, ये सारे वन के साथ है। yes. ये हमारे जीन है इसमें से, yes. अच्छा लेकिन आपका ये जीन दो बार आ रहा है इसलिए उसको मैं ना खत्म कर रहा हूँ। सेकंड लाइन, यस, सो इसका पॉइंट वन मिस, सो सेवन पॉइंट पॉइंट वन, ठीक हो गया। yes. अच्छा अब जो मैंने जनरेट की है ओवरऑल जी वाली लिस्ट, अब इसमें कंटेन और एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें आउटपुट डायरेक्टरी आनी चाहिए, आउटपुट डायरेक्टरी जो है वो हमारी है, फर्ज किया एलएसडी जीन पेयर, यस, ये इधर आ जाएगी आउटपुट डायरेक्टरी, एलएसडी जीन पेयर ट्यूब, ठीक हो गया। यहां पर हमें वो तमाम जो जीन पेयर इसने बनाए थे वो हम इधर लिखते हैं, वो किधर है, जीन पेयर फाइल जनरेटेड इन डिटेक्टेड जीन पेयर, वो कहां पर है, वो वाली फाइल हम देखते हैं कि वो मुझे लगता है ये वाली, देख ये वाली नहीं, ये वाली, नो सर, ये तो नहीं, ये नो सर, सर वो आपने भी ओपन की हुई थी, ये एक मिनट, नो सर, ये है, ठीक हो गया। ऑफिस ये कट्टी है, सर जो आपने पहले खोली हुई थी वो चेंज नहीं थी थोड़ी सी? ये फिलहाल हमने सिर्फ जीन पेयर, इन पेयर में से अपने जीन पेयर अलग कर दिए। ओके सर, इसलिए जो एनालिसिस की है ना जो पिछली उसके मुताबिक ये सारे वो जीन हैं जिनके आए हैं जो डुप्लीकेट है आपस में, ठीक है सर, अच्छा जी, इसका नाम ही चेंज कर देते हैं टोटल जीन पेयर,
ऑल जी पे लिख देते हैं इसका नाम। यस ये वाला है, ये वाला है, ठीक हो गया। जी पेयर ठीक हो गया। यस सर। कहाँ पड़ी है जेडीके प्लेटफॉर्म? इसको पहले क्लोज कर देते हैं। अच्छा अब ये ऑल जी पेयर हो गया। यस सर। अब T2 और फिर इधर सिडनी वाला। अदर्स में जाके टेक्स्ट यस सर। ब्लॉक एक्सट्रैक्टर। अब यहां पर आपने क्या करना है, ऑल जी पेयर जो है वो हमारे इधर आ जाएंगे यस सर। और इसकी जो आउटपुट फाइल वो भी इधर ही आ जाएगी। यस सर। एल एस सर डी जी पेयर ट्यूब और यहां पर हम हमारे जीन ऐड कर जी पर देंगे। सर ये नहीं। वो तो इसके अंदर भी मैंने रखे थे। सर वो टेबल में ये नीचे टेबल एक LS2 वाला टेबल 2 के नेम से। मैंने जी आईडी इधर भी रखे थे। इसमें से हम ये वाला निकाल देते हैं। कंट्रोल ए कॉपी और इधर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हम जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, यस सर। ये हमारे पास इधर आ जाता है जीपे ड्यू एक मिनट। यस सर। तो ये मेरा नोटपैड प्लस प्लस में टाइप बहुत लेता है। ऊपर हो जाएगा। अब इसके मुताबिक सिर्फ एक ही जी पेयर हो बनेगा आपका ना, और हमारी के ए और के एस की वैल्यू यही कहती है कि एक ही है ना। हेलो सर शो ही नहीं हो रहा है। स्क्रीन फुल वाइट है। यस हाँ वाइट ही है वो, एक आ जाती है अभी।
अच्छा लोड हो रहा है, ये ओके। देखना अब नजर यस सर आ गया। आया, ये दो जीन पेयर एक ही जीन पेयर आया है इसने कहा, ठीक हो गया। यस सर, अच्छा अब यस। हम क्या करेंगे कि इस जीन की ही, अब इसके बाद क्या करना, अब हमारे पास जीन पेयर हो गया, अब इसने यस कहा है कि आगे हमने क्या करना है, ये देखिए वीडियो ये हमारी हो गई है ये सारी। यस सर, उसके बाद अब हमने फाइल ट्रांसफॉर्मेट्स फॉर माइक्रो सीनरी व्यू, ठीक है, वो करनी है फाइल यस ट्रांसफॉर्मेट्स फॉर माइक्रो सीनरी व्यू, ग्राफिक्स में जाके फाइल ट्रांसफॉर्मेट्स, किधर है लिखा हुआ ये, फाइल ट्रांसफॉर्मेट और माइक्रो सीनरी व्यू लगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या करें, यस सर, अब यहां पर हमने जी पे लिख देना, ठीक हो गया। अच्छा यहां पर इनपुट टेबल ये कौन सा ऐड करना है, ये हमें बताएगा, ये वाली वीडियो हमें बताएगी कि हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेट इनपुट टेबल फॉर्मेट जीन पेयर फाइल, and then we will input table file. This table file is the GFF file which we got from the last step, and the GFF file which again got from the merchant file. ओके अब हमने लास्ट स्टेप से क्या लिया है, जो चीज हमारी ये आई है, ठीक है, लास्ट स्टेप से जो हमारी जीन पेयर आई है वो है ये वाली, ये हमने ऊपर ऐड कर देनी है, ठीक हो गया, एक ही आई है। और इसके अलावा मुझे लगता है ये इस, अब उसने साथ में कौन सी कहा है, जी एफ एफ फाइल फ्रॉम द मर्जर फ्रॉम एफसी स्कैन, अच्छा मर्जर फॉर एफ सी स्कैन एम सी, वो कौन सी, मर्जर फॉर एम सी स्कैन, मर्जर फॉर एम सी स्कैन, मुझे लगता है ये वाली है माइक्रो सीनरी व्यू, जी एफ एफ फाइल उसने कहा है ना, यस जीएफएफ फाइल कौन सी है इसमें, ये वाली एग्जैक्टली मर्जर फॉर एमसी स्कैन के बाद ये वाली फाइल आई है, और इसको हम इधर ऐड कर दे, ठीक हो गया, ये इसमें सारा उसने स्टार्ट एंड देव हर शेय ऐड कर दी इसमें, यस और बाद में इसको हम आउटपुट आई दे दें ये वाला, ये कर दिया एल एस डी जी माइक्रो सीनरी व्यू, ठीक हो गया, क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश्ड, ठीक हो गया एल एस डी जी माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन व्यू, ये आया है एग्जैक्टली, ठीक हो गया, ठीक आ गया। अच्छा दोनों क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर है जीन, ठीक हो गया। अब हमने एक और काम ये करना है कि हमने ना अब इसके बाद क्या स्टेप लेना है, ये तो हमारा हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, आउटपुट तो दे दी हमने, ठीक हो गया, ये है उसकी ये, ठीक हो गया, ये अब
अच्छा अब फिर हम एडवांस सर्कस में जाएंगे, सर्कस में जाएंगे ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या है, क्रोमोसोम आईवी एंड लेंथ, वो है ऑलरेडी हमारे पास क्रोमोसोम आईवी और लेंथ, ये वाला है फाइल हमने इधर ऐड कर दी, ठीक हो गया। अब ये माइक्रोसिमरी व्यू पहले वाला, ये सारा हमने जो है इनपुट जीनोम फीचर, ये हमने सेट लिंक जीन, अच्छा इन दोनों को अगर हम यहाँ करें तो क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा अगर अब हमारा जो एलएसडी पेयर न्यू है इसके साथ अगर हम कलर को ऐड कर दें ताकि हमारा जो जीन है ना वो कलरफुल हो, तो उसके लिए हम जाएंगे इसको ना हम करेंगे ग्राफिक्स में जाके कलर प्लेट में जाएंगे और वहां से इसका कलर प्लेट में जाके कलर पिक कर लेंगे। फर्ज के ये है ना, हम चाहते हैं कि ये वाला कलर हो जाए, तो ये हम कॉपी कर लेंगे यहां से, कलर आईडी कॉपी करके 242217। अच्छा आप और ये हम इधर पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक हो गया। yes, और इसको हम कंट्रोल एस कर देंगे, कंट्रोल एस। अच्छा अब हम ये जो जी जो है ना माइक्रो ये वाला सिटी व्यू, नीचे सारे जीन है, ये दरमियान वाले में हमारा जीन सिटरी व्यू, ठीक है। लेकिन वो नहीं आया, सेव नहीं हुआ, ये किसी और जगह से कर दिया हमने, ये वाला ले इधर जाना था ये, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस कर, कंट्रोल एस। अब आ गया औजुल्लाजी, अब क्या हो गया, अच्छा ये वाला ऊपर और ऊपर वाला ये तो नहीं करना था, मुझे लगता है ऐसा ही है, ये जो माइक्रोसिटी व्यू है ये ऊपर करना था और ऊपर वाला नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल एस। अब क्या हो गया, अरे क्रोमोसोम आईडी जीन आईडी स्टार्ट और एंड पॉइंट ऐसे ही है। अच्छा हमने जीन आईडी नहीं ऐड किया, क्रोमोसोम स्टार्ट एंड पोजीशन, स्टार्ट एंड पोजीशन, क्रोमोसोम फीचर आईडी में लिखना है। अच्छा जी, और क्रोमोसोम स्टार्ट एंड पोजीशन, क्रोमोसोम स्टार्ट एंड पोजीशन, और उसके बाद ठीक होगा, उसमें हमें आईडी भी लिखना साथ, इसमें उसने कहा है कि आईडी लिखे, ये कहां पर लिखना है हमने फीचर नेम। अब इसके बाद ये जो जीन है ना हमारा, ये कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 3 पे है, यस सर, ये मैंने बनाया था इसका, ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे है और 1-2 से शुरू हो रहा है,
5 पहला ये था ना, ये दूसरा कौन सा था? यहां पर आएगा। यस सर। अब ये लास्ट वाला ये आखिरी स्टेप है, इसे भी देखते हैं कि शायद यस मेबी यहां पर देख। ये ऐसा बनेगा। यस सर। हमारा तो एक है, हमारा तो एक ही लाइन बनेगी। मैं कहा हमारा तो एक है, वो लाइन एक ही बनेगी ना फिर। वैसे भी लगा सकते हैं ना, यस सर। रेड लाइन वैसे भी लगा दी। ठीक हो गया। अभी बताएगा ये कैसे बनानी है ना, टेबल मैनिपुलेशन इन टीवी टू जीएफएफ फाइल मॉडिफाइड
आपने जीन बड़े कम है ना, जो हमारे होते हैं ना उसके अंदर जीन बहुत ज्यादा होते हैं, जो इस ईद के अंदर ये देखो ना 25 25 30 30 जीन है, उनमें से कुछ जीन पेयर बनते हैं। सर। अच्छा अब आपका ना, अगर आपने क्रोमोसोम मैपिंग सर मैं वही बता रही थी कि क्रोमोसोम मैपिंग और जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन है ये दोनों आपने अभी नहीं करवाए। है? अच्छा, चले ये तो बन जाए, ये अभी 1 मिनट में ये बन जाएगा, लाइन हम लगा देंगे, ये मैं करके आपको यस भेज सर दूं थोड़ी देर तक, ठीक है? और साथ में सारी यस फाइल्स सर भी भेज देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने आपके क्लास में से किसी ने करना हो तो वो इजीली बन जाएगा ये। मैं तो अब लास्ट स्टेप रह गया है। अच्छा, और ये तो हो जाएगा। अच्छा, अब हमें जो है ना क्रोमोसोम मैपिंग के लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आप सर ना 100 जीन और क्रोमोसोम, ठीक है? अब यहां पर जाए ना आप, क्रोमोसोम आईडी और लेंथ आपने देख दी, एक यस वो सर तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यस जीन सर पोजीशन इंफॉर्मेशन, जीन आईडी पहले लिखना है, फिर क्रोमोसोम आईडी, फिर स्टार्ट और एंड पोजीशन, ये भी मैंने टेबल बना लिया है, और फिर सेट जीन लिंक्ड इंफॉर्मेशन के कौन किसके साथ लिंक है वो भी हमारे पास है। अच्छा, ये तो अभी बना देते हैं, 1 मिनट। यस अच्छा जी, अब हमारे पास है एक तो क्रोमोसोम आईडी, ठीक है? और उसके बाद है जीन इंफॉर्मेशन, जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी, वो मैंने ये है। इसके अंदर उसने क्या कहा हुआ है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला है जीन आईडी, पहले ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद क्रोमोसोम आईडी, इस पोजीशन स्टार्ट और एंड दैट फेस। अच्छा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हो गया हमारा चीन की जीन आईडी, इसको कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया, फिर हमारा क्रोमोसोम आईडी, यस सर और सर उसके स्टार्ट बाद और एंड पोजीशन फिर यही आ गया, ठीक है? स्टार्ट और एंड यस पॉइंट। अच्छा, लेकिन यहां पर हम वो लिखेंगे, ये इसकी बजाय ना हम लिखेंगे सी एस एल एस डी 1, यस ठीक हो गया? और ये कॉलम यस हम डिलीट कर देंगे, और इसको अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की फाइल भी सेव कर लेंगे। यस इसको कॉपी किया, इसको कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, फाइल सेव एज, ये सिंपली प्रीव्यू की बजाय इसको हम क्रोमोसोम मैपिंग कर देते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग, ठीक हो गया? यहां पर हो गया जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी, स्टार्ट एंड एंड, ठीक हो गया? ये हो गया हमारा सेव, और इसको हमने अब ऐड कर दिया क्रोमोसोम मैपिंग से, इसको हमने ये दूसरी चीज में यहां पर ऐड कर दिया, ठीक हो गया? अब तीसरा है यस सर लिंक जीन, लिंक जीन कौन कौन सा है?
अच्छा जीन आईडी जो लीक वाले हैं वो के ए और के एस के बाद कौन कौन से मिले हैं? सर CSLST 1 से CSLST 6 और CSLST 3 से CSLST 6, ये दो हैं। CLSD 1 से CSLST 1 LST 6 हो गया और दूसरा CSLST 3 और CLST 6 सर बस ये दो ही ठीक हो गया। अच्छा अब कर देते हैं कि इनको जब हमने विड्रॉल एस ये हो गया हमारे जी पेयर, अगर हम इन जी पेयर को यहां पर हम ऐड कर दें और इसको स्टार्ट करें, ये मान गया जी आपका, समझ आई? यस सर। ये आपका जी जीन मैपिंग, जीन मैपिंग। अब इसके मुताबिक ये दोनों आपस में डुप्लीकेट है क्योंकि ये दोनों एक ही जीन है। यस सर। और ये इसके साथ है। सर जो को एनालिसिस वाला टेबल है उसमें जो डुप्लीकेशन लिखनी है वो यहाँ से लिखनी है ना? हाँ डुप्लीकेशन यहाँ से लिख दी, सिर्फ इसमें हमारा जीन जो है 3 और 1 आपस में डुप्लीकेट है, बाकी यस सर और वो भी सेगमेंटेड डुप्लीकेट। यस सर क्योंकि टैंडम डुप्लीकेट ये है दोनों आपस में, अगर ये दोनों डिफरेंट जीन होते। यस सर ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं ऐड कर देते हैं कोई मसला नहीं। अब ये हमारी सर वो तो फाइटोसोम के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट जीन ही बनते हैं। हाँ उसके लिहाज से तो ये डिफरेंट जीन बनते हैं, ठीक हो गया। अब ये होगी हमारी, अब आप इसको कलर चेंज डिफरेंट कर सकते हो, फर्ज किया ये जो इसको अगर हमने करना है क्रोमोसोम का जो कलर है अगर व्हाइट है बार कलर, आप इसको चेंज करके, ठीक है? Yes, okay. चलो ये मैं आपको भेज देता हूँ ये तीनों चीजें, यू कैन ट्राई इट। अच्छा तीसरा है इसमें चीजें हमें जो चाहिए सिंपली में है वो क्रोमोसोम आईडी एंड विद लेंथ। ये हमारी होगी मैपिंग, ये तीनों चीजें मैं आपको भेज रहा हूँ, आपने खुद ही इसको आप जनरेट करना है। yes. अब आपने जो बाकी जीन है ना, जनरेट हो नहीं रहे हैं सर, जीन मैपिंग तो जनरेट हो नहीं गई है। हो गई है लेकिन मैं कह रहा हूँ आप खुद इसको जनरेट करें, मैं आपको तीनों फाइल भेज देता हूँ। ओके सर ठीक। ये तीनों फाइलें जिसको आपने यूज करना है, ठीक हो गया? यस सर। तो सर मैंने वाटरमेलन और अरेबिडोप्सिस का आपका ना सिटी प्लॉट भेज दिया है लेकिन वो सेट करने वाला है वो जो आप करते हैं उसमें, वो ब्लैक ब्लैक वाला। अच्छा वो आपने भेजा था मुझे? यस सर ये अभी मैंने वाटरमेलन का भेजा और रात मैंने आपको अरेबिडोप्सिस का भी भेज दिया, आपने कहा था मैं सेट कर लूंगा। ये वाला ये वाटरमेलन का और इससे ऊपर एटी के नाम से रैबिडोप्सिस, इसको ये जो स्कैफोल्ड है ये सारे रिमूव कर दो ना। सर मैंने एटी वाले में स्कैफोल्ड रिमूव भी किए तो वो नीचे से ब्लैक लाइन खत्म होती है ऊपर वाली नहीं खत्म होती। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने मुझे भेजा था ये कब भेजा? एटी सर ये अभी ऊपर ही थोड़ा सा 80, ये थोड़ा सा ऊपर चल, ये 80 के नेम से सर, सर ये नीचे चला गया 80 के नेम से, ये है ना?
यस सर, लेकिन इसका आगे फाइल चाहिए ना सर, फाइल्स भी भेजी हुई है सारी। गब्बर, यस सर, ये देखिए रैबिट ऑप्स, जीएफएफ फाइल, सीडीएल फाइल और सर वो पॉलीडेरिटी फाइल चाहिए सर, ये पॉलीडेरिटी फाइल है। ठीक हो गया, आपका कोई क्रोमोसोम स्कैफोल्ड पे तो नहीं है ना कोई? नो सर, अच्छा पहले ग्लाइसिन मैक्स कर दिया था उसमें तो नहीं, सुपर बीटा मैक्सिमा में भी नहीं था इसका, आप पता अच्छा अब आपने ये भेजी है फाइल, एक तरवजा पे दो, और इसके अलावा और ये इन तीनों को कट करी, ये कौन कौन सी है, क्यूकम्बर और रैबिडोप्सिस, रैबिडोप्सिस आपने ना सीटीएल फाइल जो लेनी है ना, इसके अंदर जाके आपने इस है ना स्कैफोल्ड ये सारे डिलीट कर देने हैं। ये मैं आपको खुद अब आप देखेंगे यहां आगे जाके ना क्रोमोसोम आएंगे, अब यहां से आप इसको डिलीट करते जाए स्कैफोल्ड को, ये सारे स्कैफोल्ड जितने भी है, एंड आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ये देखो ना ये क्रोमोसोम आ गए, ये रख दे हैं, ये स्पीशीज 844 क्यों आ रही है सर? ये पता नहीं सर, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आगे फिर स्कैफोल्ड आ गए, ठीक हो गया। अब हमारे ऊपर आ गए हैं एक और एक नीचे आ गए, ठीक हो गया।
अब आपने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब आप देखिए yes. अब आपके जो जी पेयर है वो बाद में आएंगे ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ग्राफिक्स में जाके ड्यूअल ये वाला, अब इसमें हम तीन फाइल्स ऐड करेंगे। ये जो है ये GFF फाइल है, ये दरमियान में आ जाएगी। CPL फाइल ऊपर आ जाएगी। CPL फाइल ऊपर आ गई और ये जो पॉलीडेरिटी फाइल है ये दरमियान, ये कहां पर आ रही है, लास्ट लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर आपके जीन आईडी आ रही है। यस सर, वो टेबल में, वो किधर है, वो आपके मैंने इधर रखे हुए थे। ये कंट्रोल ए कॉपी, ठीक हो गया, और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स ग्रेट, देख लो कितना अच्छा बन गया। अब है जी पेयर क्यों नहीं आए, आपको कब्बर वाला जनोम कहां से लिया था आपने सर? कुकर बेटा मैक्स, मुझे लगता है मेरे पास एक और पड़ा है, मैंने भी ये किया था काम। एक मिनट सर, इसका मैंने भी निकाला, तो वो जो दरमियान में डेडलाइंस आती है ना, वो नहीं आ रही है जो मैच करती है। अच्छा, समझ आ गई आ गई आ गई, मुझे लगता है कि वहां पर ना ये 0.1 पे ही है शायद। ये क्या हो गया? अच्छा जी, मैं एक मिनट देखता हूँ, एक और भी मेरे पास पड़ा है। ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर हमारे पास है भी है हमारे पास कॉलिनियरिटी फाइल, इसको हम कर देते हैं इधर, और फिर हमारे पास है CTL फाइल, ये हमारी ऊपर आ गई, और उसके अलावा और क्या आया, GFF। yes, और इसको स्टार्ट कर दूं। ये देखिए, आपका सिर्फ एक ही जीन आ रहा है ना? यस सर। ये है, ओके सर, सही, सेंड कर दो।
जी मैं आपको सेंड कर देता हूँ सेम ग्राफ। सर वो मैप वाला भी आपने सेव नहीं किया, वो भी सेंड कर दी। यस सर कर, चलो वो भी कर देता हूँ। अच्छा जी, अब जो क्रोमोसोम मैपिंग वाला है वो किधर है हमारा? ये वाला। तो और इसको अब आप ग्राफ जो विड्थ है वो कम कर दें, फर्ज किया हुआ 1200 कर दें, और जो हाइट है वो हम 700 कर दें, ताकि हमारा ये जो है ना छोटा हो जाए। ठीक हो गया। इसका कलर जो है हमारा जो है इसका वो देख लेते हैं कि क्या करना है आप लोगों ने। लाइट अच्छा लगेगा मुझे लगता है। ठीक है, यस सर। चले जो भी है इसका ना, ये मैं आपको सेव करके ना भेज रहा हूं। यस इसको सेव कैसे किया जाए? जो सर ये नीचे सेव ग्राफ, सेव ग्राफ, पीएनजी, जेपैक, पीडीएफ। क्रोमोसोम मैपिंग किधर है? सर को कंबर में चाहिए। चले ये वो सारी यस ये हो गया आपके पास। और क्या था अभी जो डुअल सिटरी वाला ना? यस ये तो मैंने पहले भेजा हुआ कुकुम्बर चाहिए लोग सिट्रस मैक्सिमा। यस सर ये है, सर ये है।
अब बस आपका राइटअप रह गया है, अब आप इसको राइटअप लिख लिख के मुझे भेजो कि तकरीबन आपकी हाँ जी सर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन कैसे करना है वो रह गया बस। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन जो है ना वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब सर सिर्फ एनालिसिस में वही रह गया, बाकी सारा कुछ हो गया। चले जी और बस अभी ग्लाइसिन मैप के साथ। और सर मैंने आपको राइट अप जितना किया था वो सुबह भेजा था, बाकी थोड़ा अब मैं अभी उसको ना थोड़ी देर तक पढ़ता हूँ, मेरे भी असल वो थोड़ा सा मैं रेस्ट करके फिर मैं बताता हूँ फिर आपको, ठीक है? जी जी सर ठीक है सर। उसमें जो ब्लू वाला किया हुआ है ना उसकी समझ नहीं आ रही है, जो ब्लू में था बस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रह गया। अच्छा ये मैं आपको इसका ना लिंक भेजता हूँ, इसके थ्रू करना है, आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने प्रोटीन की सीक्वेंस अपनी ऐड कर दी है सारी, yes, तो ये यहाँ से ये इसको क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि कौन कौन सा प्रोटीन है जिसके न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है और वो कौन सा मोटिफ है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। सर हम सिर्फ कुकम्बर के ऐड करेंगे कि बाकी सब जीन्स की भी? देख लें सबके करने हैं या कुकम्बर के करने हैं, ऑल डिपेंड ऑन यू। सर सबकी कर लें ठीक है सर, बस इसको दुबाएंगे तो खत्म, बस इतना सही है। हाँ वो आगे कह रहे हैं कि किन किन के अंदर है अभी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल और उसकी फिर ना आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस मुझे भेजे, आपकी है मेरे पास? सर मैं यस सर आपके पास है लेकिन मैं आपको फिर भी भेज दूँ। हैं सर आपके पास है लेकिन मैं आपको फिर भी भेज देती हूँ दोबारा। भेजिए बच्चे यस सर भेज रही हूँ। सर भेजती है सर, सीक्वेंस आपको भेज
सिंपल आपने इसको क्लिक करना है, सारी इकट्ठी एक ही बार ऐड कर देनी है। भैया हमें इसने बता दिया कि इसके अंदर ना ये जो जो है ना हमारी सीक्वेंसेस, इसके अंदर है लोकलाइजेशन सिग्नल। यस ठीक है, ये वाला टेबल हमने वो सप्लीमेंट्री फाइल में ऐड करना है। हाँ सप्लीमेंट्री फाइल में सिर्फ ये दो कॉलम हमने सिर्फ करने हैं, ये और ये। ये इसके अंदर ये सिग्नल है, सिर्फ ये बता देने कि जी आर के आर ए बी, बस सिग्नल। ठीक है, मतलब सर पहले दो कॉलम्स ऐड करने हैं, बाकी सारा कुछ नहीं ऐड करना। हाँ जी ओके सर, ठीक है। ये जो टेबल है इसके अंदर मैंने क्रोमोसोम नंबर लिख दिए। आप ये स्टार्ट और एंड वाली पोजीशन जो है ना आपने इस टेबल से कॉपी कर लेनी है, जो मैंने अभी भेजूंगा आपको ये वाला। ठीक है सर, भेज। और ये टेबल भी मैं भेज देता हूँ आपको, तो मैंने एडिट किया है। ये टेबल कहाँ पड़ा है? खत्म हो रही चले। ठीक है मेरा, यस सर, ठीक हो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।